बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग सर्वे। तो इससे पहले हम कर चुके हैं स्टैट के दो चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने स्टैट के पहले दो चैप्टर कवर कर लिए और अब ये तीसरा वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। तो इसी तरह से सारे चैप्टर हम कवर करते रहेंगे। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट होगा, वो कवर करके कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। उसके बीच में आपके लिए कुछ वीडियोज़ रहेंगी, जैसे कि कुछ एक्सेल पे डाल दी, कुछ किसी और टॉपिक पे डाल दी, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इससे पहले कभी चैनल भी नहीं देखा, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके वीडियोस को वॉच कीजिए। वहाँ पे मैंने बीकॉम के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, जैसे कि बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया। तो कुछ रिविजनरी वीडियोस भी डाली हैं, आप उन सबको वॉच कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग सर्वे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट में यूनिवर्स का मतलब समझने से पहले हम यूनिवर्स का मतलब समझेंगे क्या होता है। यूनिवर्स एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है होल। होल का मतलब पूरा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक चीज़ है तो उसे हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो 10 पेंसिल है या फिर 10 पेन है, तो मैं उसे 100% लेके चलूँगा। उसमें से मैंने 5 किसी को दे दिए, तो मतलब 50% मैंने किसी को दे दिया, ओके। तो उसको मैं 100% लेके चलता हूँ, तो 100% इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। तो 100% ही हमारा यूनिवर्स है। तो बात आती है कि स्टैट में इसका क्या रोल है। तो यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट एन एरिया और डाटा, देन सच एरिया और डाटा इंडिकेट द यूनिवर्स फॉर एनी सैंपल टेकन आउट ऑफ इट। जब हम बात करें यूनिवर्स की, जब एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है, कुछ डाटा को लेता है, कुछ आइटम्स को लेता है, तो वो उसको यूनिवर्स मान के चलता है, उसको 100% मान के चलता है, ठीक है। अगर वो उस पूरे यूनिवर्स का इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो उस यूनिवर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब वो सेंसस मेथड को यूज़ कर रहा है। हम बाद में समझेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे यूनिवर्स क्या होता है, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट निकल के आएगा कि सेंसस मेथड में क्या होता है और सैम्पलिंग में क्या होता है। तो इसके बाद यूनिवर्स के कुछ टाइप्स आ गए। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है यहाँ पे फाइनाइट यूनिवर्स। तो फाइनाइट यूनिवर्स का क्या मतलब है? फाइनाइट का मतलब है कि अगर आपका यूनिवर्स सीमित है, फाइनाइट का मतलब अगर आपका यूनिवर्स सीमित है, मतलब उसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स लगा लो, तो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, उनको आप गिन सकते हो, ओके। तो इसीलिए वो फाइनाइट यूनिवर्स हो गया, जैसे कि कुछ राइस के बैग्स हो गए, ठीक है, या फिर वीट के बैग्स हो गए, तो उन बैग्स को आप गिन सकते हो कि 30 बैग्स हैं, 40 बैग्स हैं, ओके। तो ये हो गया फाइनाइट यूनिवर्स। इन केस ऑफ द फाइनाइट यूनिवर्स डाटा इज काउंटेबल, सो ओनली द काउंटेबल और द लिमिटेड फिगर्स एंड फैक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। फॉर एग्जाम्पल, बैग्स ऑफ द वीट आर काउंटेबल, ओके। तो इनफाइनाइट यूनिवर्स, इन केस द वैल्यूज, द फिगर्स, द फैक्ट्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है, आर नॉट टू बी काउंटेड, ओके, आर इम्पॉसिबल टू बी काउंटेड। मतलब इनफाइनाइट का मतलब असीमित यूनिवर्स, असीमित यूनिवर्स, ठीक है। जैसे कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअल में, हम जो साइंस में वर्ड यूज़ करते हैं यूनिवर्स, वो वाला यूनिवर्स हो गया हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स, क्योंकि उसे हम मेजर नहीं कर सकते, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ओके। सो इफ द डाटा इज़ वेरी लार्ज और अनलिमिटेड, देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वीट इनसाइड द बैग, पीसीज ऑफ वीट। तो जो वीट बैग के अंदर वीट के दाने हैं, वीट के पीसीज हैं, आप उनको नहीं गिन सकते, उनको गिनना इम्पॉसिबल है। अगर मैं 40 बैग्स को गिनूं और 40 बैग्स को वहीं पे ढेरी कर दूं, तो आप उनके दानों को नहीं गिन सकते, उनके पीसीज को नहीं गिन सकते, ओके। तो वो हो गया इनफाइनाइट यूनिवर्स। आगे हमारे पास है थर्ड वन, एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। तो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स क्या है? एग्जिस्टिंग यूनिवर्स का मतलब ऐसा यूनिवर्स जो कि फाइनाइट होगा, सबसे पहले तो वो फाइनाइट होगा, सीमित होगा, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो चेंज नहीं होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज नहीं होगा का मतलब, अगर हमने गिन लिया 10, तो बस 10, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बाद वो 11 हो जाए या कुछ टाइम बाद वो 12 हो जाए, एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग है, ओके। इन दिस इट इज अ दैट टाइप ऑफ यूनिवर्स इन विच द नंबर ऑफ डाटा इज फिक्स्ड एंड एग्जिस्टिंग इन नेचर, इट इज अ फाइनाइट यूनिवर्स। ये फाइनाइट यूनिवर्स ही होता है, सीमित होता है, ठीक है। तो जैसे कि बुक्स इन द यूनिवर्स होगी, बुक्स इन द लाइब्रेरी, सॉरी,
बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे मैंने यूनिवर्स लिख दिया, बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में अगर बुक्स हैं तो उन बुक्स की गिनती वहाँ पे लाइब्रेरियन को पता होगी, वहाँ पे उसके रजिस्टर में दर्ज होगा और वो फिक्स्ड है, वो एग्जिस्टिंग है। अगर मैं एक क्लास की बात करूँ तो क्लास में हमें पता होता है कि 40 स्टूडेंट है या फिर 50 स्टूडेंट है, इसके बाद एडमिशन बंद हो जाती है, तो वो 50 स्टूडेंट फिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए उसे एग्जिस्टिंग यूनिवर्स कहा जाता है, फाइनाइट है बट एग्जिस्टिंग है। आगे हमारे पर एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स। एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स ऐसा होगा कि जिसका हमें पहले से अंदाजा नहीं है, बट वो हो सकता है दो पे आके रुक जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है पहले भी आके रुक जाए, ठीक है, हो सकता है 10 बार करें फिर जाके आए, हो सकता है 1000 बार करें, 10,000 बार करें, 20,000 बार करें फिर जाके आए। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि आपने कितनी बार किया, कितनी बार करके देखा, ओके। तो उस काउंटिंग को लेके जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो सक्सेसफुल से पहले जो आपने ट्राइज लगाई, जितनी बार आपने कोशिश की, वो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंटल फिगर है और वो एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिवर्स नंबर ऑफ फिगर्स आर नॉट फिक्स्ड, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस फॉर 6, एक्सपेरिमेंट टू गेट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्या करते हैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि ये वाला लगा के देख लो, ये वाला लगा के देख लो, शायद निकल जाए, निकल जाए। हम 10 बार लगा लेते हैं, नहीं निकलता, हो सकता है 11th में निकल जाए, ठीक है। तो वो 11th क्या हो गए, एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स हो गया, उसमें 11 फिगर्स हैं, वो 11 फॉर्मूलाज, वो 11 मेथड्स हैं, वो 11 टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स। तो ये थी कुछ 4 टाइप्स यूनिवर्स की, और हमने यूनिवर्स की डेफिनेशन की, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, फिर इसके आगे हम करेंगे सेंसस मेथड क्या होता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, सैम्पलिंग की मेरिट्स डीमेरिट्स, और कुछ मेथड्स कि किस तरह से हम सैम्पलिंग को निकालेंगे, ओके, सैम्पलिंग के जरिए किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो वो कुछ मेथड्स हमारे पास हो जाएंगे। तो इतना कर लेना, आज तक हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में आपको सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड और विद मेरिट्स डिमेरिट्स आ जाएगा, तो वो आप अगली वीडियो में वॉच कर लेना। तो अब तक इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक पक्का से करके जाओ, सब्सक्राइब पक्का से करके जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख पाए, वो भी कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बट आपको नहीं पता, या फिर उसको नहीं पता कि ऐसा कोई चैनल है, तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आप, एक और बात, अगर आप इस चीज़ के नोट्स लेना चाहते हो तो आप नोट्स मुझसे मांग सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके आप मुझसे नोट्स की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।